नेपाल के अंडर 19 टीम में दक्षिण अफ्रीका में अभ्यास मैचों के अंदर लगातार दूसरी जीत है वो यहां पर दर्ज कर चुकी है। नेपाल अंडर 19 टीम इस समय दक्षिण अफ्रीका में है और अंडर 19 विश्व कप से पहले एक उच्च प्रदर्शन शिविर में लगी हुई है। नेपाली टीम ने रोमांचक मुकाबले में नामीबिया अंडर 19 को 6 रनों से है वो हरा दिया है। पहले जो स्कॉटलैंड को हराया था 135 रनों से और कल का जो मैच था उसके अंदर नामीबिया को भी है वो 6 रनों से यहाँ पर हरा दिया है। सोमवार को नेपाल ने स्कॉटलैंड अंडर 19 को भी 135 रनों से है वो हराया है। तो किस खिलाड़ी ने कितने रन है वो बनाए, कुल स्कोर नेपाल का कितना था और जो नामीबिया है उन्होंने कितने रन पर है वो ऑल आउट कर दिया गया, ये सही बात जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर बने रहिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे हमारे अगले नेपाल की बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं मैच की तरफ। तो मेमोरियल पार्क प्रिटोरिया में पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए गए थे नेपाल के खिलाड़ी और निर्धारित 30 ओवरों में 141 पर 9 विकेट हैं वो हासिल किए नेपाल के खिलाड़ियों ने और शीर्ष क्रम में एक बार फिर से ध्वस्त हो गया। 19वें ओवर के अंदर नेपाल का स्कोर जो है 19वें ओवर के अंदर स्कोर जो है वो 56 पर 6 विकेट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम था स्कोर नेपाल का क्योंकि 56 रनों पर 6 विकेट है वो गवा चुका था। उसके बाद आते हैं विपिन रावल ने 20 रन बनाए, उत्तम आगर ने 12 रन बनाए, अर्जुन कुमार, देव खनल और दीपक बोहरा और गुलशन झा है वो कुछ बड़ा नहीं कर पाए क्योंकि देव खनल है वो 0 रन पर आउट हो गए और गुलशन झा है वहाँ पर 3 रन पर आउट हो गए। लेकिन गुलशन झा ने जो विकेट्स लिए हैं उनमें काफ़ी बड़ा सहयोग है वो गुलशन झा का देखने को मिलेगा क्योंकि गुलशन झा ने 3 विकेट है वो यहाँ पर अपने नाम किए हैं। अगर बात करें और आकाश त्रिपाठी की तो आकाश त्रिपाठी ने 21 रन बनाए, दीपक बोहरा ने 15 रन बनाए, विशाल कैसी ने 14 रन बनाए और दीपक बुमरो ने है वो 22 गेंदों के अंदर 32 रन बनाया और काफ़ी सहयोगी भूमिका है वो यहाँ पर इन्होंने निभाई। और जवाबी में नामीबिया की टीम ने 29.5 ओवर के अंदर 135 रन पर ऑल आउट है वो नेपाल ने यहाँ पर कर दिया। एक समय उनका स्कोर है वो 22 पर 3 विकेट था लेकिन बेसिंग जो बॉलिंग थी वो आक्रामक रही नेपाल की। अगर बात करें विकेट्स की तो यहाँ पर गुलशन झा और आकाश चंद ने है वो अपने 3-3 विकेट है वो अपने नाम किए। गुरदेश गुप्ता ने 2 विकेट है वो यहाँ पर हासिल किए और दीपेश कंदेल ने भी 1 विकेट है वो यहाँ पर हासिल किया। नेपाल अब ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 की आधिकारिक अभ्यास मैचों में क्रमशः 13 और 16 जनवरी को भी स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ मैच खेलेगा। तो आपको क्या लगता है क्या ICC अंडर 19 के अंदर जो अभी 13 और 16 जनवरी को स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच होने वाला है क्या उनके साथ नेपाल जीत पाएगा? अगर बताएं तो स्कॉटलैंड के साथ पहले जीत चुका है नेपाल और नामीबिया के साथ जो कल मैच था वो भी जीत चुका है नेपाल। तो नेपाल की परफॉर्मेंस जो है वो हाई लेवल पर देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो आपको क्या लगता है क्या वर्ल्ड कप के अंदर नेपाल अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएगा या नहीं, अपने विचार जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे हमारे अगले नेपाल की बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचकर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नेपाल न्यूज़ के साथ।